नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 3 अप्रैल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रविवार 5 अप्रैल को रात के ठीक 9 बजे घर की लाइट को ऑफ कर दें और अपनी अपनी बालकनी में और घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से ये आह्वान ऐसे वक्त पर किया है जब पूरी दुनिया कोरोना नामक वायरस से युद्ध लड़ रही है। ये वायरस दुर्गा सप्तशती में वर्णित रक्त बीज नामक असुर के समान अपना विस्तार करता जा रहा है। एक व्यक्ति जब तक ठीक होकर आता है तब तक ये कई लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। ऐसे में इस महामारी से विजय पाने के लिए लोगों की एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार देशवासियों से दीप जलाने का आह्वान किया है। इससे पहले 22 तारीख को इन्होंने शाम 5 बजे ताली और थाली बजाने का आह्वान किया था। दरअसल अंक ज्योतिष में 9 अंक का स्वामी मंगल को माना गया है, जिसे लोग शुभ मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मंगल को लेकर कुछ और भी मान्यताएं हैं। आइए जानें 9 अंक और मंगल के साथ इसके संबंध को लेकर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल को साहस, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक कहने के साथ ही रक्तपात, युद्ध और विनाश का कारक भी कहा गया है। ऐसे में 9 नंबर और मंगल का कनेक्शन मंगलकारी कहना पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं होगा। बता दें कि जिन लोगों का मंगल प्रबल होता है वो अच्छे शल्य चिकित्सक भी होते हैं। इस वक्त जिस महायुद्ध में पूरी दुनिया उलझी हुई है उसमें चिकित्सक भी सैनिकों की तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। इनके आत्मविश्वास और जोश को बढ़ाने के लिए 9 अंकों का ये संयोग प्रभावी हो सकता है। वर्तमान में ग्रहों के बीच भी एक अजब सा संयोग बना हुआ है। शनि अपनी राशि मकर में चल रहे हैं, तो वहीं शनि जब भी अपनी राशि मकर या कुंभ में आते हैं तो दुनिया के लिए विचित्र स्थिति निर्मित हो जाती है। युद्ध और आपदा में लोग जान गंवाते रहे हैं। ऐसे में मंगल को प्रबल किया जाए तो शनि का प्रकोप कुछ कम हो सकता है। पीएम मोदी ने भी रात 9 बजे सभी लोगों से दीपक जलाने को लेकर जो आग्रह किया है वो इस दिशा में एक पहल हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।